लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। 1994 में रिलीज हुई फिल्म मोहरा तो सभी को याद है। इस फिल्म में रवीना टंडन और अक्षय कुमार की जोड़ी थी। फिल्म में रवीना को काफी पसंद किया गया था। इस फिल्म का एक गाना काफी फेमस हुआ था। ये गाना था टिप टिप बरसा पनी। इस गाने को रवीना टंडन और अक्षय कुमार के ऊपर फिल्माया गया था। ये गाना आज तक लोगों के जहन में जिंदा है। बारिश में फिल्माया गया ये गाना अभिनेत्री रवीना टंडन के लिए भी यादगार है। रवीना टंडन बॉलीवुड की ए लिस्टर एक क्रेसेस में से एक हैं। उन्होंने यूं तो की सारे यादगार किरदार और फिल्में की हैं, लेकिन उनका गाना टिप टिप बरसा पानी ने उस जमाने में वाकई में आग लगा दी थी। ये गाना बेहद लोकप्रिय हुआ था। इस गाने की शूटिंग के दौरान का रवीना का अनुभव भी बेहतरीन रहा है। रवीना ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इस गाने की शूटिंग के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस गाने की शूटिंग के समय वो बहुत बीमार थीं। रवीना टंडन के लिए इस गाने की शूटिंग करना बेहद मुश्किल था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान खुलासा किया है कि इस गाने की शूटिंग के दौरान वो बहुत तकलीफ में थीं। रवीना ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि इस गाने को 4 दिन में शूट किया गया था। यह कंस्ट्रक्शन साइट पर शूट हुआ था जहां पत्थर और कीलें पड़ी थीं और उनको नंगे पैर शूट करना था। इतना ही नहीं, यह गाना बारिश वाला था तो मुझे भीगना भी था। आगे रवीना कहती हैं कि पानी काफी ठंडा था जिस वजह से मुझे बुखार आ गया था। सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात की थी कि इस दौरान मेरे पीरियड्स चल रहे थे। रवीना की बातें सुनकर ही पता चलता है कि वो इस दौरान कितनी तकलीफ और परेशानी में रही होंगी। बता दें कि इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार भी थे, जो रवीना के साथ इस गाने में भी नजर आए थे। गौरतलब है कि 90 के दशक में ये गाना इतना फेमस था कि इसकी दीवानगी आज भी लोगों के ऊपर है। ऐसे में इस गाने को एक बार फिर से रिक्रिएट किया जा रहा है। ये गाना अक्षय की ही आगामी फिल्म सूर्यवंशी में होगा। गाने के इस रीमेक वर्जन में अभिनेत्री कटरीना कैफ नजर आएंगी, जो इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ मुख्य किरदार में हैं।